टू है, दो कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं है। हमें पता लगाना है कि जब ये मूव करेंगे तो इनके बीच में रिएक्शन कितना लगेगा, इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम कांस्टेंट मोशन पहले यूज़ करते हैं। अब देखिए दोनों को, मैं इस स्फीयर को देख रहा हूँ, स्फीयर का मूवमेंट सिर्फ इस डायरेक्शन में हो सकता है, और जो दूसरा वेज है उसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में ही पॉसिबल है। मैं ये कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं हो रहा है, ये कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं हो रहा, तो जब भी ये मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, ये इसके अलॉन्ग मूव करेगा, इसके अलॉन्ग मूव करेगा, ये जब इधर मूव कर रहा है तो वो किधर मूव कर रहा होगा, ये पता लगा लेते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि ये जो है ए एक्सलरेशन से नीचे आ रहा है, ये एंगल अल्फा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है ए एक्स, वर्टिकल कंपोनेंट है ए वाई। ए एक्स और ए वाई जब ऐड हुए तो आपका रिजल्टेंट ए आया। वेक्टर में हमेशा जो दो ऐड होते हैं, एक के टिप पे दूसरे का टेल आता है, ये ध्यान रखना है, जब दोनों इंडिपेंडेंट वेक्टर्स एक रिजल्ट निकालते हैं। तो ये इसका डायरेक्शन हमारा, हमने मान के चला था कि ये ऐसे चल रहा है। अब इस वाले, अब ये अगर ऐसे चल रहा है तो नेचुरली ये भी ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट नहीं टूट रहा है, कॉन्टैक्ट नहीं टूट रहा है, तो इसका इसका एक्सलरेशन भी ए एक्स है, तो इसका एक्सलरेशन ए एक्स है ऐसे। अब मुझे पता लगा रहा है कि उसका जो है इस प्लेन के अलॉन्ग एक्सलरेशन कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा। अब आप देखिए ए एक्स तो हमें पता चल गया, अब वाई जो होगा हमारा, उसका टिप जो है इसके टेल पे जुड़ना चाहिए, क्योंकि एक वेक्टर का हमें टेल पता चल गया, दूसरे का टिप चाहिए होता है, तो इसके टिप से स्टार्ट, टिप यहाँ लगेगा। सो और डायरेक्शन जो है वाई तो नेचुरली वर्टिकल कॉम्पोनेंट है, ए वाई डैश ऐसे है। सो रिजल्टेंट इसका एक्सलरेशन आ रहा है ए डैश ऐसे। अब हमें एंगल्स पता है, ये भी एंगल अल्फा है, ये भी एंगल अल्फा है, सो ये अल्फा है तो ये अल्फा है और ये भी अल्फा है। सो टेन अल्फा इज ए वाई अपॉन ए एक्स एंड टेन अल्फा इज इक्वल टू ए वाई डैश अपॉन ए एक्स। सो ए वाई डैश इज इक्वल टू ए वाई बट इन अपोजिट डायरेक्शन, और ए एक्स और ए वाई का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये दोनों मैग्नीट्यूड्स हैं, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डैश। सो दोनों एक्सलरेशन ए से चल रहे हैं, एक ऐसे चलेगा और एक ऊपर चलेगा। अब ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेज आइए कि आप मोशन का इक्वेशन लिख लीजिए। सो पहले इसमें हाफ स्फीयर को देखिए, इस पे एन ऐसे लग रहा है, सो अलोंग द कंपोनेंट सॉल्व कीजिए इन प्रॉब्लम्स को अलोंग दिस प्लेन। ये है एन कॉस अल्फा और ये है एम वन जी साइन अल्फा, और एक्सलरेशन ए है, सो एम वन ए इज इक्वल टू एम वन जी साइन अल्फा माइनस एन कॉस अल्फा, सो ए इज इक्वल टू ये जी है जी साइन अल्फा माइनस एन अपॉन एम वन कॉस अल्फा। सिमिलरली आप दूसरे का इक्वेशन अगर लिखेंगे, वो ऐसे चल रहा है, ये ब्लॉक है आपका ऐसे जा रहा है, एक्सलरेशन ए से जा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन उस पर एक ऐसा लग रहा था, उसका कंपोनेंट ऊपर की डायरेक्शन में कितना होगा, ये अल्फा है, ये एन कॉस अल्फा हुआ और ये हुआ एम टू जी साइन अल्फा। सो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लीजिए, ऊपर की तरफ जा रहा है, सो एम टू ए इज इक्वल टू जो फोर्स उस डायरेक्शन में मूव करा रहा है वो है एन कॉस अल्फा माइनस एम टू जी साइन अल्फा, सो ए इज इक्वल टू एन अपॉन एम टू कॉस अल्फा माइनस जी साइन अल्फा। दोनों को इक्वेट कर लीजिए, तो जी साइन अल्फा माइनस एन अपॉन एम वन कॉस अल्फा इज इक्वल टू एन अपॉन एम टू कॉस अल्फा माइनस जी साइन अल्फा। सो ट्वाइस जी साइन अल्फा इज इक्वल टू एन कॉस अल्फा वन अपॉन एम वन प्लस वन अपॉन एम टू, सो एन कॉस अल्फा इज इक्वल टू ट्वाइस जी साइन अल्फा एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू
दिस डिवाइड बाय कॉस अल्फा, ये हमारा आंसर हुआ जो दोनों के बीच में रिएक्शन होगा।